और चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब हम जुड़ेंगे कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ। सेंचुरी प्लाई की बात करेंगे, पहली तिमाही के नतीजों और विस्तार योजना पर बात करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सवालों के सिलसिले में ओवरऑल नतीजों पर ही बात करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रणनीति आपने क्या अपनाई है यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। अगली तिमाही की तस्वीर अगर मैं समझना चाहूँ, फिलहाल जो फिगर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके तर्ज पर आपने आने वाली तिमाहियों के लिए क्या रेवेन्यू का टारगेट रखा हुआ है? धन्यवाद मुझे शो को बुलाने के लिए। देखिए, ये क्वार्टर काफी चैलेंजिंग था। मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की थोड़ी चैलेंज आई है। इसका प्राइमरी रीजन जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके कारण जो ईएमआई बढ़े हैं, तो घरों के सेल पे जबकि इतना इम्पैक्ट नहीं बना है, लेकिन जो एक एक हाउस को होम बनाने का सिलसिला है, जब कस्टमर अपने घर के अंदर शिफ्ट करना चाहता है, जब इंटीरियर का काम शुरू करता है, उसमें मुझे दिख रहा है कि थोड़ा डिफर्मेंट हुआ है। इस कारण से सेंटिमेंट हल्का सा वीक है, लेकिन हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे जाके साल में हमें इससे बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। और काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हमने अपनी एमडीए की सेकेंड लाइन को कमीशन किया था, जो अब स्टेबलाइज हो चुकी है, उसका बेनिफिट हमें इस क्वार्टर से मिलना शुरू होगा। प्लाईवुड और लैमिनेट में हमने नए एड कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, जिसका बेनिफिट हमें इस क्वार्टर से मिलना शुरू होगा। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है और ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अच्छा रहेगा। चलिए, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आप कह रहे हैं कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, चैलेंजेस के लिहाज से भी समझना होगा। जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसकी बात करें, इससे शायद मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़े, किस तरह के मेजर्स यहाँ पर आप ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं ताकि आपका जो एबिटा पर इम्पैक्ट होगा आने वाली तिमाहियों पर उस पर कम से कम असर हो? देखिए, हमने जो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा प्लाईवुड में फील हो रहा है, क्योंकि प्लाईवुड में कोर के दाम बढ़ गए हैं। लास्ट महीने के अंदर ही हमने एक प्राइस इंक्रीज दिया है, और क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं, प्राइसिंग पावर हमारे हाथ में है, तो मुझे लगता है कि जो भी कॉस्ट में इंक्रीज आएगा हम उसकी तुलना में इक्वल प्राइस इंक्रीज ले पाएंगे। ओवरऑल हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज के पास प्राइस इंक्रीज लेने की संभावना कम रहती है, जबकि हम प्राइस इंक्रीज के फॉर्म में कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा प्लाईवुड और उस कारोबार में और इम्प्रूवमेंट के लिहाज से अगर हम समझना चाहें, सेगमेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिहाज से, टॉप लाइन रेवेन्यूज और एबिटा मार्जिन्स की बात करें, जिस तरह की बाजार की सिचुएशन है वो काफी चुनौतीपूर्ण है, कैसे आप इस पूरे माहौल को और अपनी रणनीति को असरदार होता हुआ नतीजों के लिहाज से देख रहे हैं? मार्केट सिचुएशन में फिलहाल सबसे जटिल चुनौती आपके मुताबिक आप क्या रीड कर पा रहे हैं और उससे निपटने के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि लिक्विडिटी और का थोड़ा जो क्रंच आया है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, वो सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है, और उसकी वजह से जो एक ऑप्टिमिज्म था, जो एक्सुबरेंस था, वो थोड़ा टेम्पर हुआ है। लेकिन हमारे हर सेगमेंट में हमने कॉन्क्रीट एक्शन दिए हैं। प्लाईवुड में हमने अपने 100 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को काफी पुश दिया है, प्लाईवुड में हमने एक नई एड कैंपेन को लॉन्च की है, और हमने हमारे चैनल एक्सपेंशन पर फोकस किया है। लैमिनेट के अंदर हमने सैनिक लैमिनेट को लॉन्च किया है, हमने हमारे नए एड कैंपेन को लॉन्च किया जिसमें हमने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ टाइप किया है। एमडीएफ के अंदर हमने एक नया लाइन का कमेंसमेंट किया है, एंड मुझे लगता है कि ये सारी रणनीतियों की वजह से हमें सेकेंड हाफ में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और जो कठिन समय दिख रहा है इसमें भी हम ग्रोथ ला सकते हैं। केशव, ये जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है प्लाईवुड की लगभग 8 से 10%, उसको लेकर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं? करंटली अगर हम देखें तो 6 से 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस हाइक को लेकर और इस रणनीति को लेकर आप कोई जानकारी दे पाएंगे? जैसे मैंने कहा था, लास्ट महीने हमने ऑलरेडी प्राइस हाइक ले चुका है प्लाईवुड के अंदर, और देखिए 6 से 7% के लिए हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। लास्ट ईयर आपको याद होगा तो Q1 में कोविड बाउंस मिला था, क्योंकि Q4 थोड़ा सा हिट था उसके पिछले साल का ड्यू टू ओमिक्रॉन। तो मुझे लग रहा है कि प्लाईवुड में वी आर वेल ऑन ट्रैक, और ये जो 6 से 7% का वॉल्यूम इंक्रीज है, मेरी उम्मीद है कि हम इससे कुछ बेटर ही कर पाए।
मनीष मेहरा, कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट रेवेन्यू पर किस तरह से, और साथ ही क्योंकि आपके लिए काफी मायने रखता है ये पूरा कोलैबोरेशन, तो मार्केटिंग को लेकर किस तरह की रणनीति जो है सुनिश्चित की गई है इस कोलैबोरेशन की कामयाबी के लिए? देखिए, लैमिनेट में ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट है कि हम एक डिजाइनर लैमिनेट को एक ब्रांडेड डिजाइनर लैमिनेट में कन्वर्ट करें, और इसके डेफिनेटली इसमें काफी समय गया है, काफी टाइम लगा है, बट हम ऑलरेडी इसकी बेनिफिट इसका बेनिफिट देख पा रहे हैं। कस्टमर्स अब जाके सेंचुरी लैमिनेट पर मनीष मल्होत्रा देखने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है क्योंकि ये हमारे मेन कैटलॉग का ही एक भाग है, एक पार्ट है, तो इससे हमारे ओवरऑल सेल्स को पानम कैटेगरी में बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं इससे, और साथ ही साथ हमारी एड कैंपेन में भी अब फोकस प्रोडक्ट मनीष मल्होत्रा के लैमिनेट्स हैं, तो मुझे लगता है इससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर हमसे बात की। निमेश ठाकुर से जुड़ूंगी मैं, हमारे आज के मेहमान, और सेंचुरी प्लाई पर उन्हें क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है, क्या विश्लेषण है, निमेश बताइए। देखिए, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से हम लोगों ने थोड़ा करेक्शन देखा है, डेफिनेटली रिजल्ट था वो थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, पर जिस तरह से मैनेजमेंट ने प्रीवियस क्वार्टर में भी गाइडेंस दिया था कि मार्जिन के अंदर प्रेशर रहेगा और ये पूरे साल तक रहने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलरेडी मार्केट की रैली से हाई की नजीक पहुंच गया है, और यहाँ से हम लोग एक करेक्शन देखिए, एक साइड में रहने का अनुमान है मेरा। मुझे लग रहा है इसे एटलीस्ट प्रेस बाइंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, एक करेक्शन का, अच्छा करेक्शन का वेट करना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर रिजल्ट में हम इंप्रूवमेंट देखते हैं, मार्जिन में एक्सपांशन देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट ने बताया कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले और प्राइस इंक्रीज भी उससे किया है, तो जब तक बैलेंस शीट के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आता है तब तक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वेटिंग वॉच करना चाहिए, और एक डीप आने के बाद रणनीति जो है ये स्टॉक के अंदर अपनानी चाहिए। अगर किसी ने लोअर लेवल से परचेस किया हुआ है तो मेरी सलाह रहेगी एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करके ये अकाउंट के अंदर एक्सिट कर। आपने कहा कि बीच में लेवल्स थोड़े से अगर नीचे आ जाए तब सोचें, तो वो नीचे के लेवल्स पर क्या आपके वो होंगे, काउंटर्स होंगे? 550-530 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो मुझे लग रहा है कि अभी 630 के आसपास तो ट्रेड करा है, तो करीब यहाँ से 20% और, तो 550 के नीचे अगर आता है तो वहां से एड करना स्टार्ट करना चाहिए। राइट, चलिए, तो अगर कुछ नया इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी सी गिरावट का इंतजार इस स्टॉक को लेके करना होगा। निमिश हमारे साथ बने रहें, कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब हम बात करेंगे अलेम्बिक फार्मा।